गैस जैसे तैसे हम लोग वहाँ से वापस तो आ गए। जैसे ही मेन रोड पे आए ना भाई, तुरंत गाड़ी पूरी हीट हो गई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हम लोग खड़े हैं इस टाइम पे भाई जो रोहतांग का कट है ना, जहाँ से चंद्रताल जाते हैं और रोहतांग जाते हैं, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हैं। हमारी गाड़ी बुरी तरह हीट हो गई थी, पिछली वीडियो में देख लेना कैसे कैसे हम बड़ी मुश्किलों से चंद्रताल वाले रूट से यहाँ तक आए हैं। जो मेन रोड है पीछे आप देख सकते हो, कट है चंद्रताल जाने का और आपका रोहतांग पास जाने का। एक बार आप लोगों को टेम्परेचर दिखा देता हूँ, ये देखो फुल हो गए थे पॉइंट। जैसे तैसे हम ऊपर पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से, चंद्रताल वाले रूट से आ रहे थे, पूरी गाड़ी हीट हो गई, आगे से पूरी लग गई थी, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। अब दिखाता हूँ आपको आगे से क्या क्या नुकसान हुआ है। ये देखो भाई, ये जो रेडिएटर है ना, ये पूरा चिपक के पीछे आ गया था, और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे इस पे टच हो गया था यहाँ से। इस वजह से रेडिएटर जो है बीच बीच में से, ये जो फैन वगैरह का एरिया है, जल भी गया, टूट भी गई है इसकी यहाँ की टहनी, देखो साइड की, और नीचे से तो बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ है। ये देखो बहुत ही गंदा वाला नुकसान हो गया अपनी गाड़ी में। पीछे एक बहुत ही सुंदर सा झरना है, वहां पे अपन लोग घूमने गए थे, यहाँ पे शॉट लगा दूंगा उसमें, आप देख सकते हो कि एक नंबर अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गए। पूरी जितनी थकान थी ना वहां से यहाँ तक के रास्ते की, पूरी स्थिति वाले की, वो पूरी निकल गई अपनी। कम से कम गाड़ी को इस बहाने थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिल गया। अब यहाँ से नॉन स्टॉप लगा देंगे मनाली। मैनू दे दे थोड़ा प्यार, तू तो वोटी किसी और दी, आज होनी मेरी, तेनू कॉलेज भी घुमाना, तेनू पैरिस भी घुमाना, अरे सॉरी ऊप्स, तू तो किसी और की। ये मेरा ना इलाका जहाँ पे दूसरे डाले डाका, ये मेरा ना इरादा, असी हॉट मुंडे आ, बिकॉज वी आर बॉयज, अपनी कैसी वॉलिटी में, कॉल पे तू रहना जब भी भाई भारी सीन है, हॉल पे तू रहना जब भी भाई बिजनेस मीटिंग, फॉरगॉट कुछ ना करना भाई, ये तो मेरा सीन है, ताबर तोड़ के भी आगे हम भी सारे तोपे, तेरे हाथ में लाइटर तो भाई हम ही डोपे, कैच अ फीलिंग राइडर, ट्रिपी बाइक की शौक है, गाड़ी के तेल के ना पैसे। गाइस काफी देर से ना मैंने एसी ऑन कर दिया था, जहाँ पे भी पीछे वाटरफॉल से निकले थे, जस्ट चेक कर रहा हूँ कि प्लेन पे क्या दिक्कत तो नहीं आएगी, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। अभी अश्योरिटी नहीं है कि भैया ठीक चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अपनी टेस्टिंग हो जाएगी। कम से कम पता चला कोई उल्टे सीधे पैसे मांगने लगा, और अपनी अगर ऐसे सही चल रही है नॉर्मल पे, तो ले चलेंगे अपना घर तक धीरे धीरे। अभी एसी अपना ऑन है और गाड़ी अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रही है। प्लेन्स पे आई थिंक उतना लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोड्स पे इतना लोड नहीं लेगी, ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा लेती है। ऑफ रोडिंग पे तो एसी पे भी लिया इसने लोड, और नॉन एसी पे भी लोड लिया। अच्छा हम चंद्रताल नहीं गए, अगर हम चले जाते तो रिटर्न भी नहीं आ पाते, मुझे लग रहा है फिर वो वाला हिसाब हो जाता, फ्लैट बेड वाला, बहुत महंगा वाला जो हो जाता है। और मैंने सुना है 30,000-30,000 रुपये ले लेते हैं खाली इधर तक, मनाली तक लाने का गाड़ियों को। मारुति है यार, बेहा गाड़ी बोलते हैं इसे, बोलते हैं इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ढीठ गाड़ी होती है, अपना काम निकाल देती है, आपको ना कहीं बीच रोड पे खड़ा नहीं करती इतनी आसानी से। बहुत ही अगर बुरे ही ग्रह चल रहे हैं आपके तब तो अलग बात है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप आ जाते हो, अपने घर ले आती है आपको पैरों पे। जैपनीज टेक्नोलॉजी का इतना ही भरोसा है बस। चलो इसी बात पे अब आपको दिखाते हैं सामने की अटल टनल के नजारे। ये देखो जूम करके एक बार और देखो, दिख रही है अटल टनल सामने। यार एक बात का आंसर करना है कि इस टनल का नाम अटल टनल क्यों रखा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे मेरे को लगता है उद्घाटन हुआ था, लेकिन लोग गवर्नमेंट तो यहाँ पे कांग्रेस की लाइक करते हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे इसका नाम कुछ और नहीं होना चाहिए था, राहुल गांधी टनल टाइप। पीछे से देख रहा हूँ एक ब्रेजा खड़ी है, एक और ये स्विफ्ट खड़ी है, पीछे अभी एक किया खड़ी थी, एक महिंद्रा खड़ी थी, पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, सब बोनट खोल खोल के खड़े हैं, या तो ये हवा लेने के लिए खड़े हैं, या फिर इनकी हवा ले गई है सही में गाड़ियां, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सारे के सारे रोक रोक के खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, ये तो ठीक है। चलो तो भाई फाइनली नीचे उतर के आ चुके हैं। एक दो बार अभी ऊपर मीटर जंप किया था, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर भी काम चल गया, कुल मिला के ज़्यादा परेशान नहीं किया। हालांकि अभी पतली कुल पहुँचते पहुँचते अपने को मिस्त्री मिल जाएंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे हम एक बार अपनी गाड़ी को दिखा लेंगे और कोशिश करेंगे कि टेम्परेरी कुछ जुगाड़ हो जाए, ताकि हम दिल्ली आराम से पहुँच जाएँ और फिर वहाँ जाके क्लेम में डालेंगे, क्योंकि अगर क्लेम में नहीं डालेंगे तो हमारा बट्टा बैठ जाएगा। Few inches later. So guys, finally, मनाली पहुंचने वाले थे, बीच में मिल गया विद्या मोटर्स। विद्या मोटर्स पे अपनी गाड़ी खुलवा रहे हैं यहाँ पे, ये फैन जो है किसी तरह से ऑन हो जाए, भैया भी चेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर ये चल गया तो हम लोग सेफली आराम से घर पहुंच जाएंगे, अगर नहीं चला तो रुक रुक के जाना पड़ेगा। तो भैया भी लगे पड़े हैं मेहनत करने में, फैन निकाल के देखते हैं अगर चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। फैन ठीक करने के तो भैया ने केवल 500 रुपए बताए थे, 300 रुपए खोलने के और लगाने के, अगर नहीं ठीक हुआ, अगर हो गया तो 500 रुपए। लेकिन उन भैया को है ना यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है इसके अंदर इस फैन को निकालने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि डेंटर भैया से इसका ये खुलवाना पड़ेगा बम्पर वम्पर, उसके बाद ही फैन निकल पाएगा। और जो डेंटर भैया है वो बोल रहे हैं कि
इसको निकालने के और लगाने के 700 रुपये भैया, तो टोटल हो गए 1200 का खर्चा। और अभी ये नहीं पता है कि उसके बाद फैन ठीक होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो कम से कम हम गाड़ी सेफली अपनी घर ले जा सकेंगे, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा मन में गाड़ी का इंजन हीट नहीं होगा। हालांकि एसी की पाइप भी फट चुकी है, एसी भी चलना बंद हो गया है, लेकिन भाई इस ट्रिप पे जो हमने देखने को मिला है ना, नेक्स्ट लेवल है। बस गाड़ी चल रही है यही बहुत है। एक्स्ट्रा वायरिंग, हाँ वो सही इसे लगा देना भाई, उसकी है वो फॉग लैंप की, वो निकाल दो ना इसका, ये निकाल दो इधर से, ये निकल जाता है इधर से, बैंड हो गया ये, हाँ ये अंदर बैंड हो गया ना, ये बहुत अंदर था, ये तो क्रेन वाले ने किया है। हाँ क्रेन वाला आया, कहता भाई क्या हो गया है, पत्थर नीचे जमीन में लगी, वाटर क्रॉसिंग है ना उधर चंद्रताल वाले रास्ते पे, ना ना चंद्रताल जा रहे थे आधे रास्ते में, यहीं से जा रहे थे आधे रास्ते, 35 किलोमीटर पहुंचे थे, तो फिर ये खराब हो गई, मतलब लग गई। फिर एक क्रेन वाले भाई आए थे, उन्होंने अपनी क्रेन की रस्सी निकाली, हमने उनसे बोला हेल्प चाहिए, उन्होंने बांधा अपनी गाड़ी, उन्होंने बोला अपनी गाड़ी बैग लो, एकदम पीछे हो गया था तो उतना बाहर आया। फिर हम इसको चला के थोड़ा थोड़ा वापस लाए, फिर हमने एक जगह रुके, रात में सोए, फिर सुबह उठ के आए, तो अभी चला के लाए नॉनस्टॉप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह पे थोड़ा पॉइंट बढ़े थे हीटिंग के, थोड़ी देर रोकी तो शांत हो गई, फिर वो ऐसे बढ़िया लग रही है। मैं सोच रहा हूँ आगे ना ऐसा कराऊंगा गाड़ी को, या आगे बम्पर वम्पर नहीं, ऐसे ऊपर उठवा के, हाइलक्स देखिए ना, हाइलक्स ऐसी आती है आगे से उठी हुई, ये सब लगवाना बेकार है, इसमें डेंजरस माफिया ब्रेजा बन जाएगी। हाँ भाई कंपनी तो भेजनी पड़ेगी है ना, वैसे कराऊंगा तो पैसा बहुत लग जाएगा, वैसे भी एक्सीडेंट ही तो है, कहीं लग जाती है तो उसे एक्सीडेंट ही तो बोलते हैं। वो तो पूरा बदलेंगे, ये बदलेंगे सब, पाइप वाइप पीछे तक सब बदल देंगे उन्हें। मेन है ये तो बच गया ना, फिर वाला इसका क्या बच गया, ये बच गया ना, ये मेन है नीचे पत लगाना, नीचे ये टांगे डालेंगे, ये पड़ी लोअर में, हाँ ये वाला रेडिएटर नया डालना है उन्होंने, कंप्रेसर नया डालना है, एसी के पाइप डाल देंगे, सब डाल देंगे उन्हें, हल्का सा ही कहीं पे कोई छू जाता है ना ऐसा, कौन सा एसी कंप्रेसर ऐसे छू जाएगा तो सब नया डाल देते हैं, पीछे है ना इसके काला वाला, काला है ना इसके पीछे कंप्रेसर, वो कंप्रेसर नहीं वो, हाँ कंप्रेसर जो है काले रंग का, हरा तार किस में घुस रहा है, वो क्या है हरा वाला वायर, जिसमें साइलेंसर वाला, ये वाला, ये क्या है, ये हरा, ये ब्लैक वाला साइलेंसर थोड़ी डालेंगे यार वो, अच्छा ये नहीं डालेंगे फिर, कुछ पता नहीं कंपनी वाले सब डाल देते हैं, इंश्योरेंस से पैसा मिलता है ना उनको, कौन सा सेंसर है जो इसके अंदर लगा, अच्छा तिरछी होके बजी है। अगर भाई इसे बम्पर ना लगवाएं, ऐसे ही चलाएं, ऐसे ही चलाएं तो बढ़िया नहीं रहेगी, ऐसे चलाएं इसे बढ़िया नहीं रहेगी, लिफ्ट किट लगा के ऊपर उठा के, डरावनी लगेगी आगे से आती हुई, थोड़ा इधर फैंसी फूंसी चीज़ें लगवा दो थोड़ी सी, और ख़तरनाक लगेगी है ना, बढ़िया रहेगा मगर दिखने में, वो देख टायर दिखेंगे इधर से मस्त, और हैवी टायर लगा दो मोटे गिट्टे वाले, एकदम तगड़ा काम बनाऊंगा, पैसा आ जाएगा कहीं से, दो तीन नंबर का, एक नंबर से तो हो नहीं पाना। इसमें तो दो हॉर्न लगे हुए हैं, एक इधर और एक उधर है, एक मेरा दोस्त बोल रहा था इसमें दो लगवा ले, एक है, मैंने कहा दो है इसमें लग तो रहा है, आवाज़ तो तेज है इसकी। सो गाइस मोटा नुकसान हो चुका है, देख रहे हो भाई पूरी की पूरी गाड़ी खुल के कबाड़ हो चुकी है, अब इसको ठीक कराने में, और जाएगी दोबारा खुलेगी, अभी सोचो ये टेम्परेरी जुगाड़ हो रहा है, और एसी अभी भी नहीं चलेगा, ताकि फ़ैन चल गया तो कम से कम ये गाड़ी हीट नहीं करेगी, और तसल्ली से हम अपने घर पहुँच जाएंगे कल सुबह, और फिर उसके बाद हम इसे ठीक कराएंगे तसल्ली से, और उसके बाद देखो कितना खर्चा आएगा क्या होगा। मैं तो सोच रहा हूँ और भी चीज़ें वो भी ठीक करा करूँ के नक्की करूँ, इस बार हमारी यार ज़्यादा ही नुकसान हो गया, कभी इस ट्रिप पे, कभी किसी ट्रिप पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारा। ये ढीला हो गया होना ना, थोड़ा मिस अलाइनमेंट हो गया होना, तो वो ऊपर नीचे लहर मार रहा होगा ना इस वजह से, मोटर जड़ गई है, चला के देखो मोटर को थोड़ा, कल तो घूं घूं कर रही थी साली, जोर पड़ गया ज्यादा स्किपर, हाँ हो सकता है भाई, हाँ जी ऐसा कर ना, फट गई मोटर, फट गई नहीं फूक गई, ठीक नहीं होगी फिर, ये मेन इसकी बैंडिंग जल गई है ना अंदर, भाई जिस चीज़ की वजह से हमने इसको खुलवाया था ना, सारा तामझाम और ये पैसे खर्च किए हैं, वही नहीं हो पाई, इसकी मोटर फूकी हुई अंदर की,
ये चलवाने की वजह से मेन हमने खुलवाया था, क्योंकि एसी तो फिर भी नहीं चलना है, लेकिन ये चल जाता कम से कम हम इंश्योर हो जाते कि भैया हीट नहीं करेगी। लेकिन ये भैया मोटर ही फेंकी हुई है। अब ये सारा खोला है इन्होंने, डेंट वेंट निकाला है अपने लेवल पर जितना निकालेंगे। अब मैंने कहा भाई लगाओ, क्या करें, अब कंपनी जाएगी जब ही होगी। अब देखो भगवान का नाम लेके आराम आराम से चलेंगे। गैस गाड़ी अपनी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन जो भी था पैकअप करा के अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब दो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, एक तो ये है कि मनाली जाए वहाँ पर रुकें कल सुबह निकलें, या फिर आज ही निकलें सेफर साइड, क्योंकि गाड़ी हीट भी कर रही है कभी कभी। तो अब सोचते हैं थोड़ी देर में, फिर आपसे मिलते हैं, फिर बताएंगे कैसा भी होगा, क्या प्लान बनेगा। जिसे मैं प्यार करता था ये मनाली 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 मनाली। ओ भैंस की आंख, क्या नजारे हैं। चले पल्ली और वहां बैठेंगे, वहीं मंगाएंगे एकदम चिल्डम चिल्ड पेप्सी। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी। सो गाइस ये वाला ब्रिज पूरा क्रॉस करके आए हैं, दूसरी तरफ से पल्ली तरफ अपनी गाड़ी खड़ी है उधर की साइड, और ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आए इधर के रास्ते से इस कैफे के अंदर। और यहाँ पे छोटा मोटा कुछ खाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई यहाँ की वाइब है ना बहुत ही अमेजिंग सी लग रही थी। आइसोलेटेड सा है थोड़ा, लोग कम रुके हुए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जो ये लोग हैं ये तो बहुत ही कम है कंपेरेटिवली जो अदर कैफेज़ हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन अपने को ब्यूटी से मतलब है, नेचर वाली ब्यूटी से मतलब है। चाय पानी मिल जाए और क्या ही चाहिए जीवन में, और ऐसे व्यूज़ मिल जाए। और ये तिब्बतन फ्लैग, यहाँ पे तिब्बतन ही कैफे है यहाँ का, लेकिन बहुत ही सुंदर है यार। मेरी जाना मिलती है पहाड़ों पे, मेरी जुआना मिलती है पहाड़ों पे। बनी तुम तो सुअर पर चल 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 चल। बनी तुम तो नदी में मुंह डाल के पानी पीते हो, तुम्हारे पास कोई पुरानी बोतल या फिर गिलास नहीं है क्या? टेस्ट बताना कैसी बनाई मैगी, कॉफी कैसी है, है नॉट गुड? मैगी ट्राई कर, कैसी लगी? लगी तो अच्छी है। कॉफ़ी में कॉफ़ी कम है और वो कम है दूध, दूध पतली पतली है हाँ। लेकिन मैगी बहुत अच्छी है, मैगी तगड़ी बनाई है। ये कैसा है लेमिनेट, दिखाइए कैसा है। राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। जो हंस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंडी। तो आज यहीं रुकने का प्लान है, आज आगे चलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा थक गए हैं सुबह के निकले हुए 8 बजे के अपना, मतलब 8 बजे सो के उठ गए थे, उसके बाद सारी तैयारी वारी करी, तो कुल मिला के है ना सुबह से ही लगे पड़े हैं। और रोड काफ़ी ज़्यादा यू नो खराब था बीच में, फिर बीच में रुके मैकेनिक पे, ठीक विक कराया हुआ नहीं कुछ, कुल मिला के काम नहीं बना।
अब सोच रहे हैं कल सुबह आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की रात अगर चैन से निकाल ली ना आराम करके तो फिर कल ठीक लगेगा। क्योंकि अगर पूरी रात आज ड्राइव करी, चाहे मैं करूँ चाहे मानव करे, लेकिन कल दिन में सोने को है ना, दिन का सोना बड़ा बेकार हो जाता है। मतलब फिर उसका अगला दिन भी खराब, वो दिन भी खराब, जब तक वीकेंड नहीं आएगा ना जब तक अच्छा अच्छा फील ही नहीं होगा। तो सोच रहे आज ही रुक जाते हैं, कल चलेंगे। और अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि भैया गाड़ी ठीक करा के क्या फायदा हुआ क्या फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर तो चलो कंट्रोल में है। एक बार को हम लोग सोच रहे थे यहाँ से नॉनस्टॉप चले जाएं रात रात में, उसके पीछे क्या रीजन था एक बार पहुंच जाएं उसके बाद बताता हूँ। गाइज मंडी से कम 10 किलोमीटर आगे जाके ना एक रूम मिला है, पूरा का पूरा सोल्ड आउट चल रहा है वाला रूट, बड़ी मुश्किल से है ना। होटल हिल पैराडाइज के नाम से एक होटल है, यहाँ पे आके रुके हैं और वो भी भाई बहुत महंगा रूम मिला है, मतलब 2500 रुपए में नॉर्मल रूम है। अच्छा है, साफ सुथरा है, आई थिंक जैसा फोटो में देखा है, मैंने मानव को ऊपर भेजा था, अभी आपको ऊपर जाकर दिखाया था कि क्या रूम कंडीशंस है और रेट उसका वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सो गाइज होटल तो दिखने में बहुत ही अच्छा है, रूम भी बहुत अच्छा है, मैं चेक करके आ चुका हूँ, अब आपको ले चलता हूँ एक बार रूम टूर देने के लिए। सो गाइज कुछ ऐसा रूम है और भाई दिखने में तो अच्छा है, मतलब जैसे पीछे देख के आ रहे हैं ना उसके मुकाबले तो बहुत ही बेस्ट है। और केवल हमें कितने मिला है, 2500 में, जिसमें कि यहाँ पे सोफा वोफा है, हम लोग नीचे सोएंगे, लेडीज डिपार्टमेंट ऊपर, एक लाश ऑलरेडी गिर चुकी है, खाना वाना सब मिल जाता है, फिर टीवी टावी लगा हुआ है बढ़िया करके, एकदम हिसाब किताब है। चलो भाई सो जाओ। सो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी गाड़ी ठीक कराने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना, थोड़े पैसे गूगल पे कर देना इसके नंबर पे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। ये मेरा ना इरादा असी हॉट मुंडे बिकॉज़ वी आर बॉयज अपनी कैसी क्वालिटी में, कॉल पे तू रहना जब भी भाई बारिश सी ने, हॉल पे तू रहना जब भी भाई बिजनेस मीटिंग, फॉरगॉट कुछ ना करना।